नमस्कार, मैं नंदा शर्मा आरएस। हम आज राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान के किले, फोर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के किले के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के कौन कौन से किले हैं, बहुत महत्वपूर्ण इनके अंतर्गत डेफिनेटली क्वेश्चन इनके ऊपर बनता ही बनता है कि राजस्थान में बहुत सारे किले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर किलों के बारे में यहाँ पर हम बेसिक जानकारी लेते हैं। फोर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के किले, राजस्थान के किलों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बट आज हम बहुत शानदार तरीके से इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी भी हो या नहीं भी सुनी हो, उसके अंतर्गत आज हम इस किले के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के अंतर्गत किले हैं, किलों को सामान्यतः उनकी सुरक्षा के आधार पर, स्थिति के आधार पर अलग अलग भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया। ऐसे किले जो पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं, पहाड़ियों से गिरे हुए होते हैं, इस प्रकार के किलों को गिरिदुर्ग के नाम से जाना जाता है। गिरिदुर्ग मतलब पहाड़ों पर बने हुए और चारों तरफ से पहाड़ों से गिरे हुए ऐसे किलों को गिरिदुर्ग के रूप में जाना जाता है। दूसरा, ऐसे किले जिनकी सुरक्षा के लिए खाई का निर्माण किया जाता है, अर्थात स्ट्रेंथ बनाई जाती है। खाई का निर्माण अगर किया जाता है तो इस प्रकार के दुर्ग को पारिक श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। अगर किले की सुरक्षा के लिए दीवार का निर्माण किया जाता है, दीवार का अगर निर्माण किया जा रहा है, तो इस प्रकार के किलों को पारिद्ध दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है। अगर सुरक्षा के लिए यहां पर चारों तरफ से झाड़ झंझाड़ या फिर रेगिस्तानी एरिया है, रेगिस्तानी एरिया होने पर इस प्रकार के दुर्ग को धान्य श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है। अगर सुरक्षा के ऊपर यहां पर चारों तरफ प्राकृतिक रूप से पानी का सोर्स, वहां पर नदियां उपस्थित है, तो इस प्रकार के दुर्ग को जल दुर्ग या वाटर फोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन इनसे भी रिलेटेड आ सकता है कि राजस्थान का कोई भी आपको फोर्ट देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि अमुक किला किस श्रेणी का किला माना जाता है। इसमें और भी कितने हैं, एरन श्रेणी के किले, तो यहाँ पर जैसे जैसे वो आते रहेंगे मैं आपको बताता चलता हूँ कि किस प्रकार के किले कौन से होते हैं। अब राजस्थान के अंतर्गत अधिकांश जो किले हैं वो पहाड़ी किले हैं। अब पहाड़ी किलों में सबसे प्रमुख किला, सबसे पहला किला हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में सबने आम पे सुन रखा है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अर्थात इसके सामने अगर देखा जाए तो राजस्थान के ही नहीं, पूरे भारत के अंतर्गत भी जो किले हैं वो सारे इनके सामने छोटे छोटे किले लगते हैं। इस कारण से इस चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, अर्थात गढ़ों में तो सबसे प्रमुख गढ़ है चित्तौड़गढ़, और बाकी इसके सामने सारी चीजें अगर देखी जाए तो वो केवल घड़ैया, अर्थात छोटी छोटी गढ़िया है, छोटे किले हैं। तो इस प्रकार का विहंगम दृश्य चित्तौड़गढ़ किले का अगर देखा जाए तो इस तरह की चीजें उसके ऊपर, किले के ऊपर हमें दिखाई देती है। अब पहला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का किला किस प्रकार का किला माना जाता है, किस श्रेणी का किला माना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ का किला गिरिदुर्ग, अर्थात किस प्रकार का किला है? पहाड़ी किला, अर्थात गिरिदुर्ग श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। फिर क्वेश्चन यहां पर, चित्तौड़गढ़ का किला गिरिदुर्ग के अंतर्गत यहां पर किस पहाड़ी पर या किस पठार पर स्थित है? तो ध्यान रखिए, चित्तौड़गढ़ का किला जिस पठार पर स्थित है उसे मेसा पठार के नाम से जाना जाता है। मेसा का अर्थ क्या होता है कि ऐसा पठार जो पहले उबड़खाबड़ था, परंतु समय के साथ में ऊपर उसमें घर्षण होने के कारण वह एकदम सपाट हो जाता है, और इस प्रकार के पठार को ही मेसा पठार के नाम से जाना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का किला जिस पठार पर स्थित है उस पठार को ही मेसा पठार के नाम से जाना जाता है। जो इसके ऊपर पहले पहाड़ियां थी वो पहाड़ियां वर्तमान के अंतर्गत पूर्णतः है गिस करके समाप्त हो गई, इस कारण से वो पहाड़ियां हमें वर्तमान में दिखाई नहीं देती है, और इसी तरह से ये एक पठार के रूप में, जिसको मेसा पठार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर अगला बनता है, चित्तौड़गढ़ का किले की आकृति, अर्थात अगर हम आकाश से देखें तो यह हमें किस प्रकार की आकृति का दिखाई देता है? तो वह मछली के समान, अर्थात अगर हम आकाश यहां पर
ऊपर जाकर के इसको देखते हैं, एयर व्यू अगर लिया जाता है तो ये हमें वेल मछली के समान हमें दिखाई देता है। तो क्वेश्चन फिर बन गया, चित्तौड़गढ़ का किला किस प्रकार की आकृति के अंतर्गत दिखाई देता है? तो चित्तौड़गढ़ का किला यह है वेल मछली की आकृति के समान हमें दिखाई देता है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर, चित्तौड़गढ़ की अगर बाउंड्री की बात करें, चित्तौड़गढ़ किला यहां पर अगर देखा जाए तो 8 किलोमीटर लंबाई के अंतर्गत और लगभग 2.5 किलोमीटर चौड़ाई के अंतर्गत यह है फैला हुआ है। अर्थात यहां पर दोनों तरफ बाउंड्री के बीच में अगर दूरी देखी जाए तो 2.5 किलोमीटर की दूरी है, और अगर लेंथ अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ देखा जाए तो इसे 8 किलोमीटर की लंबाई के ऊपर इस मेसा पठार पहाड़ी के ऊपर यह स्थित है। तो यहाँ पर अर्थात 8 किलोमीटर लंबाई के अंतर्गत और 2.5 किलोमीटर चौड़ाई के अंतर्गत यह है स्थित है। आप अगर कभी इस किले की स्थिति को अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये इस तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ यह है हमें फैला हुआ दिखाई देता है। तो चित्तौड़गढ़ के किले की अगर बात करें तो 8 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी 2.5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला के ऊपर अगर क्वेश्चन पहला फिर बनता है, चित्तौड़गढ़ किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? एक नदी इधर से आती है उदयपुर साइड से, एक नदी आती है मध्य प्रदेश की साइड से। ये दोनों नदियां मिलती है, जिस जगह पर ये नदियां मिलती है उसी पर यह है यहां पर ये मेसा पठार स्थित है, और इसी मेसा पठार के ऊपर ये चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। तो ये जो नदी है इस नदी का नाम है गंभीरी नदी, और इधर से उदयपुर से आने वाली ये नदी है बेड़च नदी। इस प्रकार से बेड़च और गंभीरी नदियां यहां पर मिलती है और लगभग इसकी डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर दूर पर यह है गंभीरी और बेड़च नदी आपस में मिल रही है। तो अब क्वेश्चन बन गया कि चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम स्थल के पास स्थित है? तो गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम स्थल के पास में स्थित है। और इंडिविजुअल अगर इसके अंतर्गत पूछा जाए कौन से नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ये गंभीरी नदी के किनारे के ऊपर ये मेसा पठार के ऊपर स्थित है। इधर आएगी बेड़च नदी है और ये वाली नदी गंभीरी नदी है। इस प्रकार से संगम पूछा जाता है तो बेड़च तथा गंभीरी नदी के संगम स्थल, एक गंभीरी हमारे यहाँ पर करौली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है वो अलग है, जबकि यहाँ पर एक नदी जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत जो बेड़च की सहायक नदी है वो यहाँ पर दूसरी नदी है। तो इस तरह से गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल पर चित्तौड़गढ़ का किला मेसा पठार पर स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन कि इस किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता किसे माना जाता है, निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? तो इसके बारे में दो हमारे प्रमुख राइटर रहे हैं, लेखक रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग पुस्तक लिखी और उन पुस्तकों के अंतर्गत अलग अलग नाम का उल्लेख किया गया है। एक राइटर का नाम है श्यामल दास ने पुस्तक लिखी है वीर विनोद, जिसके अंतर्गत मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। वीर विनोद नामक पुस्तक के लेखक कौन हो गए? श्यामल दास। इनके बारे में हम और डिटेल बाद में पढ़ेंगे जब राजस्थान की स्थिति के अंतर्गत यहाँ पर, तो इनके बारे में चर्चा उस समय करेंगे। श्यामल दास ने ये वीर विनोद नामक किताब लिखी है जिसमें मुख्य रूप से मेवाड़ का इतिहास इसके अंतर्गत लिखवाया गया है, और मेवाड़ का इतिहास की लगभग संपूर्ण जानकारी इनके अंतर्गत उपलब्ध है। वीर विनोद पुस्तक के अंतर्गत श्यामल दास ने लिखा है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता किसे माना जाता है? तो मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण किया हुआ। जिस प्रकार से चित्रांगद मौर्य चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। जबकि दूसरे लेखक जिनका नाम है जिन
मंडनोपाध्याय, ये गुजरात के थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी कुमार पाल प्रबंध। इस कुमार पाल प्रबंध के अंतर्गत इनके द्वारा चित्तौड़गढ़ किले के निर्माता के रूप में जिस शासक का नाम दिया गया है उसका इन्होंने नाम दिया चित्रंग मौर्य। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली है तो मौर्य वंश का शासक, मौर्य वंश के शासक ने ही इसका निर्माण किया, परंतु दो प्रमुख यहां पर लेखकों के द्वारा अपनी अपनी पुस्तक के अंतर्गत उनका अलग अलग नाम से उल्लेख किया है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो तरह के ये क्वेश्चन बन गए कि जिन मंडनोपाध्याय की पुस्तक कुमार पाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता किसे माना जाता है, तो चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता इन लेखक के अनुसार चित्रंग मौर्य इसका निर्माता रहा है, जबकि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता मौर्य वंश का चित्रांगद मौर्य माना जाता है। तो व्यक्ति ऑलमोस्ट एक ही है, परंतु इन्होंने दोनों ने अपनी किताबों के अंतर्गत अलग अलग नाम का उच्चारण किया है और इसी कारण से इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। तो आप दोनों चीजें इसमें ध्यान रखिए, चित्तौड़गढ़ का किला यहाँ पर कुमार पाल प्रबंध के अनुसार आपसे पूछा जाए, तो जिन मंडनोपाध्याय ने मौर्य वंश के शासक का नाम उल्लेख किया चित्रंग मौर्य, जबकि वीर विनोद के अंतर्गत श्यामल दास ने उसी वंश के शासक का नाम का उल्लेख किया है चित्रांगद मौर्य। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखिए कि चित्रांगद मौर्य और चित्रंग मौर्य वैसे एक ही व्यक्ति है, परंतु ये दो अलग अलग यहाँ पर लेखकों के द्वारा इनका उच्चारण अलग अलग किया गया है। अब क्वेश्चन फिर बन गया, चित्तौड़गढ़ किला सिंपल देखिए, चित्तौड़गढ़ किला किस श्रेणी का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का किला गिरी श्रेणी का दुर्ग है। किस प्रकार की पठार या किस पर स्थित है, मेसा पठार पर स्थित है। इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति अगर पूछी जाती है तो रेल मछली की समान इसकी आकृति है। मेसा पठार की यहाँ पर अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 8 किलोमीटर लंबाई और 2.5 किलोमीटर चौड़ाई के अंतर्गत यह है पठार बनावर, इसी की ऊपरी सतह पर यह है फोर्ट राजस्थान का मुख्य प्रमुख किला इसके ऊपर स्थित है। अब आते हैं चित्तौड़गढ़ किले की अगर बात करें, चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं, किले के ऊपर जाने के लिए दो मार्ग हैं, एक पूर्व की तरफ से जाता है और एक पश्चिम की तरफ जाता है। तो वर्तमान में यहां पर किले पर पहुंचने का जो मार्ग है वह पश्चिम की तरफ से जाने वाला मार्ग है, क्योंकि पूर्व की तरफ के मार्ग को पूर्णतः अलाउद्दीन खिलजी के समय ध्वस्त कर दिया गया है, इस कारण से उसके केवल वर्तमान में अवशेष मात्र बच गए, इसलिए पूर्व के अंतर्गत स्थित उस रास्ते से वर्तमान में किले पर नहीं पहुंचा जा सकता है। परंतु वर्तमान में जो अगर किले के ऊपर पहुंचना है तो महाराणा कुंभा के शासनकाल के समय में निर्मित किए गए इसी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत या पश्चिम दिशा के अंतर्गत निर्मित किए गए इसी मार्ग से चित्तौड़ किले के ऊपर पहुंचा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंचने पर यहाँ पर पहुंचने के लिए कितने दरवाजों को पार करना पड़ता है, यह क्वेश्चन बन गया। चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर जाने पर मार्ग में कौन कौन से दरवाजे स्थित है, उनका क्रम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्रम है। ऐतिहासिक इसलिए हम इनके बारे में बहुत सारे हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे, इन दरवाजों के आसपास योद्धाओं ने युद्ध किया, उनकी छत्रियां भी इसके आसपास स्थित है, और उस कारण से इनके बारे में भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इस सिंपल से यहाँ पर याद रखना है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर जो मार्ग है, पश्चिम की ओर स्थित मार्ग पर 7 दरवाजे बने हुए हैं और इन दरवाजों को पोल के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहाँ पर पोल का यूज आ रहा है। पोल का मतलब है दरवाजे, गेट। तो मेवाड़ के अंतर्गत जो बड़े दरवाजे होते हैं उनको पोल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर स्थित दरवाजों को पोल के नाम से, अर्थात पोल शब्द इनके अंतर्गत उच्चारित होगा, तो आप ध्यान रखिए पोल का मतलब है दरवाजा। तो अगर हम नीचे से ऊपर तक अगर चढ़ते हैं तो सबसे पहले नीचे जो पहला दरवाजा आता है, इस दरवाजे को पार्डन पोल के नाम से जाना जाता है, अर्थात किले पर प्रवेश करने का प्रथम दरवाजा किस नाम से जाना जाता है, तो पार्डन पोल। पार्डन पोल के बारे में ऐसी जनश्रुति है कि यह वह स्थान है जहां पर अकबर तथा उदय सिंह की सेना के मध्य युद्ध हुआ था, इसी स्थान पर अर्थात
ऊपर से सेना के बीच में युद्ध होने से बहुत सारे लोगों की जब मृत्यु हो गई, वो तलवारों से घायल हो गए, कट गए, तो उनके शरीर से निकला हुआ रुधिर इतनी मात्रा में निकला था कि यहाँ पर उनके रुधिर के बहाव के अंतर्गत भैंस का एक बच्चा था, बह गया था, जिसको पाड़ा कहा जाता है, और उसी पाड़े के बहने के कारण ही इस स्थान के बने हुए इस गेट को पाडन पोल के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर प्रवेश करें तो पाडन पोल के नाम से पहला दरवाजा आता है। इसके बाद में इसके कुछ दूरी पर ही दूसरा दरवाजा आता है जिसका नाम है भैरव पोल। इसके बाद तीसरा गेट आता है, तीसरा दरवाजा जिस पर हनुमान जी की मूर्ति भी बनी हुई है, और उस पोल को या उस गेट को हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम चलते हैं तो यहां पर एक चौथा गेट आता है और वहां पर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, और गणेश जी के मंदिर का यह दरवाजा गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। इससे आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे, फिर यहां पर गेट आएगा जो जॉइंट के अंतर्गत होने के कारण इसको जोड़ला पोल के नाम से जाना जाता है। वैसे फिर आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, फिर यहां पर जो देखिए क्रम से अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहले पाडन पोल, पाडन पोल के बाद में भैरव पोल, भैरव पोल के बाद में हनुमान पोल, हनुमान पोल से आगे चलते हैं गणेश पोल, गणेश पोल से आगे चलते हैं तो जोड़ला पोल, फिर यहां पर छठे नंबर का दरवाजा आता है जिसका नाम है लक्ष्मण पोल, और लक्ष्मण पोल से ऊपर चढ़ने के बाद में जैसे किले की शुरुआत हो जाती है, किले की इमारतें शुरू हो जाती है, यहां पर स्थित इस गेट का नाम है रामपोल, और रामपोल के बाद में पूर्णतः यहां पर आपको किले के ऊपर उपस्थित विभिन्न प्रकार की इमारतें दिखाई देना प्रारंभ हो जाती। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल, चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर पहुंचने के लिए कितने गेट बने हुए हैं, कौन कौन से दरवाजे बने हुए हैं, तो आपको सीक्वेंस में भी याद रखना है कि नीचे से ऊपर तक जाने के लिए यहाँ पर किले के ऊपर 7 दरवाजे निर्मित है। पहला दरवाजा पाडन पोल, पाडन पोल के बाद में भैरव पोल, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर जयमल तथा फत्ता, जो कल्ला जी भी यहाँ पर जयमल और कल्ला जी की यहीं पर छत्रियां बनी हुई है, तो जयमल और कल्ला जी की जो छत्रियां बनी हुई है वह भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में स्थित है। इनकी कहानी हम लोक देवताओं के अंतर्गत भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी प्रसंग बस आएगा तो उसको भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में ही उनकी छत्रियां आज भी स्थित है, लोग वहां पर उनके छत्रियों पर धूप देने के लिए भी आते हैं। उससे आगे चलेंगे गणेश पोल, गणेश के पोल के बाद में जोड़ला पोल, अर्थात जोड़ले का मतलब होता है जॉइंट में, तो जोड़ला पोल, उसके बाद में लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल के बाद में आ जाता है राम पोल। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 7 दरवाजे हैं, और 7 दरवाजों को पार करके ही हम चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो सुरक्षा के रूप में भी यहाँ पर हर के किले को पार करके ही वहां पर जाना होता था, तो आसान नहीं था कि चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर आसानी से पहुंचा जा सके। इतने बड़े भव्य पत्थरों के रूप से अगर यहाँ पर हम देखेंगे इसको, तो व्यूज देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थरों से इस किले की दीवार का निर्माण किया गया, और पहाड़ी के ऊपर चढ़ना आसान नहीं था, इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, और अगर वहां पर चढ़ते भी है तो जगह जगह पर सैनिक खड़े रहते थे, कमरे ऐसे बना रखे थे जहां पर अर्थात आसानी से किले से यहाँ पर लोग से आने वाले व्यक्ति को देखा जा सकता है और उसको आसानी से मारा भी जा सकता है। इस तरह से किले की सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत चारों तरफ परकोटाया दीवार का निर्माण भी कर रखा है, क्लियर माइंड में। तो इस तरह से आपको पहला सिंपल सा यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन गया, यह अर्थात किले के ऊपर कौन कौन से प्रमुख दरवाजे और उनका क्रम है, तो ये इस आधार पर आपको इसके क्रम भी बताने। अब चलते हैं, जब चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर पहुंच जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर पहुंचने के बाद हमें वहां पर ही देखिए बहुत सारी इसमें इमारतें में दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। तो बहुत सारी इमारतें इसके ऊपर जो दिखाई देना प्रारंभ हो रही है, उन इमारतों के अपना अपना महत्व है और अलग अलग उनका निर्माण भी अलग अलग समय के अंतर्गत हुआ है। तो ये व्यूज अगर हम देखते हैं इसके ऊपर हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहा जाता है इस किले के ऊपर 1600 ऐसे स्थान हैं जहां पर बारिश का पानी आसानी से एकत्रित हो जाता है, एकत्रित करने की जरूरत नहीं है बल्कि वहां पर आसानी से, ये यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये पानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात ये भी एक घोघो कुंड है
घोमो कुंड जहां पर गौर के मुख का निर्माण कर रखा है उसमें साल भर इस मुख से पानी इसके अंतर्गत आकर के यहां पर एकत्रित होता है और इसे स्थान को गोमो कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं और उनकी संख्या बताई गई है कि 1600 ऐसे स्थान जहां पर बारिश का पानी इस क्षेत्र के अंतर्गत कलेक्ट रहता है और वहां पर हजारों की संख्या में लोगों को आसानी से साल भर पेयजल पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर हजारों की संख्या में लोग निवास भी कर सकते थे, पहले रहते भी थे। आक्रमण के समय यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों के लोग वहां पर आकर रहने लग जाते थे और वहां पर रहने वाले लोगों को साल भर तक किसी तरह से पानी की कोई कमी नहीं रहती है। आज भी अगर हम जाकर देखेंगे तो जगह जगह वहां पर तालाब बने हुए हैं, बहुत सारे तालाब वहां पर बने, बहुत सारे कुंड बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े क्षेत्र हैं जहां पर आज भी बारिश का पानी स्थानों के ऊपर एकत्रित हो जाता है। अब आते हैं किले के ऊपर, अगर पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कौन सी इमारत मिलती है और वहां पर क्या क्या चीज देखने को हमें मिलते हैं। तो जैसे ही आप रामपोल को पार करोगे, रामपोल को पार करते ही आप लेफ्ट राइट सॉरी आप अगर यहाँ पर आपके राइट साइड पे देखेंगे तो राइट साइड के अंतर्गत वहां पर आपको राणा सांगा के महल बने हुए दिखाई देंगे, राणा कुंभा के महल वहां पर दिखाई देंगे और सामने अगर आप चलेंगे तो वहां पर वो वर्तमान में ठीक कंडीशन के अंतर्गत है, ऐसा नहीं पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, ऐसा नहीं है, वहां पर आज भी वो एक सीधी अवस्था में सही अवस्था के अंतर्गत पाए जा रहे हैं। परंतु रामपोल से पार करते ही आपको एक इमारत दिखाई देगी जिसका नाम है फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश क्या है, किशन बन गया, फतेह प्रकाश क्या है और किसके द्वारा निर्मित किया गया है, वर्तमान में इसका उपयोग किस रूप में किया जा रहा है। तो फतेह प्रकाश उदयपुर के अर्थात चित्तौड़ के मेवाड़ के ही महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा 3 मंजिला एक भवन का निर्माण किया गया जो पूरी तरह से यहाँ पर सफेद अर्थात बिल्कुल आप जाके देखेंगे बहुत सुंदर भवन ये बनाया गया। तो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा ये भवन का निर्माण किया गया, उन्हीं के नाम पर यह है महल फतेह प्रकाश के नाम से जाना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो भी वहां पर ऐतिहासिक सामग्री मिली है, चित्तौड़ का जो म्यूजियम बनाया गया है, संग्रहालय बनाया गया है, वो संग्रहालय इसी बिल्डिंग के अंतर्गत वर्तमान में संचालित है। तो फतेह प्रकाश का उपयोग वर्तमान में चित्तौड़गढ़ किले के संग्रहालय के रूप में किया जा रहा है। तो दो क्वेश्चन सिंपल से हैं, फतेह प्रकाश क्या है, तो फतेह प्रकाश उदयपुर महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा बनाया गया चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत एक महल है और जिसका उपयोग वर्तमान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ म्यूजियम के रूप में वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है। फिर हम किले के ऊपर चढ़ने के बाद में फिर आगे चलते हैं तो इसके अंतर्गत एक स्थान जिसका नाम है सप्तबीस देवरी, अब ये क्वेश्चन बन गया सप्तबीस देवरी कहां पर है, सप्तबीस देवरी चित्तौड़गढ़ किले पर है। दूसरा क्वेश्चन सप्तबीस देवरी क्या है, देवरी का मतलब है मंदिर, सप्तबीस का मतलब सत का मतलब 7 + 20 अर्थात टोटल कितने हो गए 27, तो टोटल यहां पर मंदिरों की संख्या कितनी हो गई 27। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से अर्थात जैन संप्रदाय से संबंधित 27 मंदिरों के इसी समूह को सप्तबीस देवरी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर यह कहा जाता है 11वीं शताब्दी के लगभग ये 27 मंदिरों का निर्माण इस क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है और आज भी वहां पर ये मंदिर बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में स्थित है और इन्हीं मंदिरों को सप्तबीस देवरी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बहुत दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सप्तबीस देवरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ किले पर है, क्या है, तो 27 जैन मंदिरों का ये समूह स्थित है, बहुत बड़े बड़े नहीं है, बिल्कुल छोटे आकार के अंतर्गत आप परिसर में जाकर के देखेंगे तो वहां पर छोटे छोटे आकार के अंतर्गत ये 27 जैन मंदिर बने हुए हैं जहां पर 24 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां लगी हुई है और इस प्रकार से 27 मंदिरों के इसी समूह को सप्तबीस देवरी के नाम से जाना जाता है। सप्तबीस देवरी के सामने ही फिर अगर बात करें तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देगा विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ अर्थात यहां पर आप अगर आप देखोगे
तो यहां पर हमें विजय स्तंभ दिखाई देता है। तो विजय स्तंभ ये इस प्रकार से एक यहां पर ये टावर बना हुआ है। अगर हम बात करें यहां पर तो इस प्रकार का एक टावर बना हुआ है, इसी का नाम है विजय स्तंभ। ये कहलाता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ क्वेश्चन पहला, किसने बनवाया, कब बनवाया, आर्किटेक्ट कौन था। तो विजय स्तंभ ध्यान रखना है, कीर्ति स्तंभ अलग है और विजय स्तंभ अलग है। कीर्ति स्तंभ की अगर बात करें तो ये यहां पर ये कीर्ति स्तंभ, ये इमारत अलग है। दोनों चीजें आप आराम से इसको डिफरेंट देख सकते हैं कि ये तो है कीर्ति स्तंभ और ये है विजय स्तंभ। दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। बहुत सारे लोग आपको एक बता देते हैं परंतु वो एक नहीं है। दोनों यहां पर बिल्डिंग के अलग अलग है, दोनों इमारतें अलग अलग है। तो विजय स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे और कीर्ति स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के निर्माता अलग है, निर्माण काल भी अलग है और समर्पित भी अलग अलग है। तो हमें दोनों के बारे में, दोनों डिफरेंट है परंतु दोनों ही चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर ही स्थित है। तो पहले बात करें हम विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ यहां पर अर्थात एक टावर है। विजय स्तंभ जैसा नाम आ रहा है, विजय के उपलक्ष में बनवाया गया। किसने बनवाया, महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने कब बनवाया, 1448 के अंतर्गत, 1448 ईस्वी के अंतर्गत। क्यों बनवाया, मांडू के सुल्तान, मांडू मतलब मालवा, मालवा मतलब मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के यहां पर मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी, पर विजय के उपलक्ष में चित्तौड़गढ़ किले पर एक इमारत का निर्माण कराया। इस प्रकार से विजय के उपलक्ष में यह इमारत बनाई, इसीलिए इसे विक्ट्री टावर या फिर विजय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। अब यहां पर इस बिल्डिंग का निर्माण करने में मुख्य आर्किटेक्ट कौन था, अर्थात इसमें मुख्य आर्किटेक्ट पूछा जाता है कि विजय स्तंभ का आर्किटेक्ट कौन था। तो विजय स्तंभ का आर्किटेक्ट था जयिता, शिल्पकार। अर्थात मेन यहां पर शिल्पकार या मुख्य आर्किटेक्ट विजय स्तंभ का कौन था, तो इसका नाम था जयिता। जयिता का सहयोग किया था उसके पुत्र पौमा, नापा तथा पुंजा ने, ये इनके हेल्पर थे। जबकि मेन आर्किटेक्ट कौन था, तो जयिता। तो यहां पर जयिता की देखरेख में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ है और जिसकी हेल्प उनके पुत्र पौमा, नापा और पुंजा के द्वारा की गई। तो इस तरह से आपको यह एक एक क्वेश्चन, हर एक एक चीज पर आपके क्वेश्चन बनता है। तो ये ध्यान रखिए कि चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कब करवाया, 1448 ईस्वी के अंतर्गत। क्यों करवाया, यहां पर महमूद खिलजी जो मांडू के सुल्तान थे उसके ऊपर आक्रमण करके उन पर जीत हासिल करने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया। इस बिल्डिंग का मुख्य आर्किटेक्ट कौन था, तो इस बिल्डिंग का मुख्य आर्किटेक्ट जयिता था। जयिता की हेल्प किसके द्वारा की गई, तो उनके तीन पुत्र पौमा, नापा और पुंजा के द्वारा इनकी हेल्प की गई, अर्थात ये सहयोग आर्किटेक्ट के रूप में जाने जाते। अब ये इमारत कितने मंजिला है, तो ये इमारत 9 मंजिला ये इमारत है, अर्थात 9 मंजिला यह है इमारत। 9 मंजिला इमारत की ऊंचाई कितनी है, 122 फीट। यह समुद्र तल से नहीं है बल्कि सतह से अर्थात चित्तौड़गढ़ किले के सतह से 122 फीट तक यह है ऊंचाई में 9 मंजिल के अंतर्गत यह इमारत स्थित है। अब क्वेश्चन यहां पर इस इमारत के अंतर्गत देखते हैं, तो टोटल 9 इमारतों में से 8 इमारतें अर्थात 8 मंजिल ऐसी है, 8 मंजिल के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार का यहां पर या तो मूर्ति है या फिर शिलालेख लगा हुआ है। और इस हर एक मंजिल के अंतर्गत किसी न किसी तरह की मूर्ति स्थित होने का, केवल एक को छोड़ करके, तो यहां पर मूर्तियां स्थापित होने कारण, प्राचीन मूर्तियां इसमें होने कारण ही इसे
प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियों की, एक तो भारतीय या हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का म्यूजियम या अजायब घर के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान का कौन सा टावर है, राजस्थान का कौन सा स्तंभ है जिसे पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यधिक संख्या में स्थापित होने के कारण ही उसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अजायब घर या म्यूजियम के रूप में जाना जाता है, तो वह है विजय स्तंभ। क्वेश्चन यहां पर फिर बन गया कि विजय स्तंभ के अंतर्गत बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, परंतु मूलतः यह स्तंभ किसको समर्पित करते हुए महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित किया गया। तो महाराणा कुंभा की एक विशेषता आप जरूर ध्यान रखिए, महाराणा कुंभा ने जितने भी निर्माण कार्य कराए और मेवाड़ के अंतर्गत निर्माता शासक के रूप में कभी अगर पूछा जाता है तो वो महाराणा कुंभा ही थे, क्योंकि महाराणा कुंभा के द्वारा ही सबसे अधिक संख्या में युद्ध भी लड़े गए और अत्यधिक संख्या के अंतर्गत निर्माण कार्य भी कराया गया था। तो इस प्रकार से उन्हें निर्माता शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो महाराणा कुंभा ने जो भी निर्माण कार्य, जिस प्रकार की बिल्डिंग का निर्माण कराया है, तो सामान्यतः उनकी इमारतें विष्णु को समर्पित मानी जाती, अर्थात उन्होंने अर्थात मुख्य रूप से किस देव की आराधना की, तो उन्होंने विष्णु की आराधना की। इसलिए विजय स्तंभ भी किस देव को समर्पित माना जाता है, तो यह है विष्णु को समर्पित माना जाता है। तो विष्णु अर्थात विष्णु भगवान को यह समर्पित है, जबकि दूसरे देवी देवताओं की भी मूर्तियां इसके अंतर्गत स्थापित है, परंतु मुख्य रूप से अगर समर्पण की बात आती है, डिवोशन की अगर बात आती है, तो यह मुख्य रूप से विष्णु भगवान को यह समर्पित इमारत मानी जाती है। इस इमारत के अंतर्गत एक चीज और देखने को मिलती है कि उस समय हिंदू तथा मुस्लिमों के अंतर्गत सद्भावना अर्थात एकता का इसके अंतर्गत यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव की भी भावना दिखाई देती है। महाराणा कुंभा हिंदू शासक थे, हिंदू शासक होते हुए भी उन्होंने सभी धर्मों के समन्वय सामंजस्य का यहाँ पर एक उदाहरण इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया, और उन्होंने इसके तीसरी इमारत के अंतर्गत जो तीसरे गेट रहा है, तीसरी मंजिल के अंतर्गत तीसरा मंजिल का जो गेट है, उस गेट के दोनों तरफ इन्होंने उर्दू के अंतर्गत अल्लाह शब्द का उल्लेख किया गया। तो तीसरी मंजिल के अंतर्गत अर्थात विजय स्तंभ की जो थर्ड मंजिल है, तीसरी मंजिल है, इसके ऊपर अल्लाह शब्द का उल्लेख इसके अंतर्गत महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया, जबकि उनके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं, मुस्लिम को हरा करके ही उन्होंने यहाँ पर ये इमारत बनाई, परंतु यहाँ पर अपने राज्य के अंतर्गत भी मुसलमान रहते थे, खुद के राज्य के अंतर्गत मुस्लिमों का पूरी तरह से सम्मान करते हुए उन्होंने उनकी भावना के आधार पर ही इसके तीसरे मंजिल के अंतर्गत जो मेन गेट है, तीसरे मंजिल का जो मुख्य द्वार है, उसके दोनों तरफ इन्होंने अल्लाह शब्द का उल्लेख कराया। तो इस तरह से अल्लाह का भी उल्लेख है, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का भी। अगर हम फर्स्ट मंजिल के अंतर्गत देखेंगे तो आप लोग अगर इसको जाके देखेंगे तो आपको उसके अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु और महेश मतलब रुद्र के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के साथ में रुद्र की मूर्तियां बनी हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पहली मंजिल के अंतर्गत तीनों देवताओं की ये मुख्य मूर्तियां स्थापित की गई है। दूसरी मंजिल पर अगर देखते हैं तो दूसरी मंजिल के ऊपर अर्धनारीश्वर और हरिहर की मूर्तियां बनी हुई है। अर्धनारीश्वर मतलब शिव और पार्वती की मूर्तियां तथा विष्णु और शिव की मूर्तियां एक साथ होने के कारण उसको हरिहर के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी मंजिल के अंतर्गत इस हरिहर और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां निर्मित की गई। तीसरी मूर्तियों के अंतर्गत हमें सिंपल सा ध्यान रखना है, अल्लाह के साथ साथ यहाँ पर ये दूसरी मूर्तियां भी भगवान की यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई है। चौथी इमारत के अंतर्गत देवियों का अंकन अधिकतम किया गया है, अर्थात हमारे यहाँ की जो माताएं हैं उनकी मूर्तियों का निर्माण चौथी मंजिल के अंतर्गत किया गया, जिसके अंतर्गत हिंगलाज माता को मुख्य रूप से देवी के अलग अलग अवतार हैं उनका भी उल्लेख किया गया, परंतु हिंगलाज माता का यहाँ पर अंकन इस चौथी मंजिल के अंतर्गत किया गया। तो आप इस तरह से इनके बारे में, विजय स्तंभ के बारे में बहुत सारी चीजें इनके बारे में आप बता सकते हैं। फिर अगर बात भी करेंगे आठवीं मंजिल में केवल पिलर बने हुए, आठवीं मंजिल के अंतर्गत केवल पिलर बने हुए हैं, वहां पर कोई भी इस तरह का यहाँ पर अर्थात कोई इमारत के रूप में कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार की मूर्ति स्थापित नहीं है, और केवल पिलर के ऊपर नवीं मंजिल खड़ी है, इसलिए आठवीं मंजिल के ऊपर किसी प्रकार की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। कहा जाता है कि यह नवीं मंजिल नाइन जो स्टोरी है, यह बिजली गिरने कारण ध्वस्त हो गई थी, तो उदयपुर महाराणा सौरभ सिंह के द्वारा
ध्वस्त इस नवी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया गया और जो पत्थर वहां पर टूट करके गिर गए थे उन्हीं को वहां पर उस पे वापस स्थापित कराया गया। तो नवी मंजिल का पुनर्निर्माण, इस नवी मंजिल का पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस नवी मंजिल के अंतर्गत 9 स्टोरी के अंतर्गत 4 शिलालेख लगे हुए हैं जो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए। 4 शिलालेख इस नवी मंजिल के अंतर्गत लगे हुए और उसी के अंतर्गत यहाँ पर 4 शिलाओं के अंतर्गत महाराणा कुंभा की विभिन्न उपाधियां हैं, उन विभिन्न उपाधियों का उल्लेख किया गया है। उन 4 शिलाओं के समूह को ही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए प्रशस्ति का नाम तो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, लगी हुई किसमें है, विजय स्तंभ के अंतर्गत। उस प्रशस्ति कीर्ति अर्थात उसकी कीर्ति वैभव के बारे में यहां पर उल्लेख किया गया, इसी कारण से उसे प्रशस्ति का नाम दिया गया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि विजय स्तंभ की नवी मंजिल के अंतर्गत स्थापित है। 4 शिलाओं का ये समूह है, उसके अंतर्गत महाराणा कुंभा को वीणा वादक के रूप में भी दर्शित किया गया है। अर्थात महाराणा कुंभा के बारे में कहा गया है कि वो बहुत अच्छा वीणा का वादन भी कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की उपाधियां, जिसमें नव्य भारत की उपाधि भी उनको प्रदान की गई। तो ऐसे यहाँ पर महाराणा कुंभा की उपाधियों का हमें जानकारी यहाँ पर नवी मंजिल के अंतर्गत स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के माध्यम से, जो शिलालेख है 4 पत्थरों के ऊपर निर्मित है, उनके माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप सिंपल बता सकते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत ये विजय स्तंभ या चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसका आर्किटेक्ट कौन था, कितने मंजिल है, कितनी यहाँ पर 157 इसके अंतर्गत सीढ़ियां है, 122 फीट यह ऊंचा है, 8वीं मंजिल के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई इमारत इसके अंतर्गत नहीं है, 8वीं मंजिल में केवल चारों तरफ से पिलर बने हुए, स्तंभ बने हुए, अगर आप देख सकते हैं ये केवल स्तंभ ही हमें दिखाई देते हैं और किसी प्रकार का यहाँ पर ना कोई शिलालेख है और ना ही किसी प्रकार की मूर्ति इसके अंतर्गत स्थापित है। और किसको समर्पित है, तो यह है विष्णु भगवान को समर्पित यह टावर माना जाता है। अब आते हैं अगला, बात करें यहीं पर, अगर यहां पर इस टावर के साथ साथ हम दूसरा टावर जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ की अगर बात करें तो विजय स्तंभ के पास में, यहां पर पास में नहीं है, बल्कि विजय स्तंभ है किले के अंतर्गत पश्चिमी भाग की तरफ, जबकि कीर्ति स्तंभ है पूर्वी भाग की तरफ। पूर्वी भाग के अंतर्गत यहां पर एक प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का नाम है सूरज पोल, जो प्राचीन अर्थात पूरब की ओर से आने वाला मार्ग था उसका। ये सबसे अगर किले से उतरते हैं तो पहला है और किले से चढ़ के आते हैं ये 7वां द्वार था। तो सूरज को नामक जो द्वार वहां पर पूरे भाग के ऊपर बना हुआ है, उसी के पास में यह इमारत एक बनी हुई है जिसको हम कीर्ति स्तंभ के नाम से पुकारते हैं। तो कीर्ति स्तंभ पूर्वी भाग में स्थित है, जबकि विजय स्तंभ पश्चिमी भाग के अंतर्गत स्थित है, जहां पर गोमुख कुंड यहां पर बना हुआ है, 27 देवी जिसके बारे में आपको बताया, उसी के पास में यहां पर यह विजय स्तंभ निर्मित है, जबकि कीर्ति स्तंभ पूरब की ओर सूरज पोल के पास में स्थित है। अब यहां पर बात करते हैं कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था एक जैन व्यापारी बघेलवाल, उनकी गोत्र थी, बघेलवाल गोत्र के जैन व्यापारी जिनका नाम था जीजा जैन व्यापारी के द्वारा इस इमारत का निर्माण करवाया। तो कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया, जीजा नामक जैन व्यापारी के द्वारा, बघेलवाल जीजा नामक जैन व्यापारी ने इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कितना मंजिल इमारत है, 7 मंजिल, जबकि विजय स्तंभ कितना है, 9 मंजिल। तो ये 7 मंजिल इमारत है, 7 मंजिल इमारत में किन की मूर्तियां लगी हुई है, तो यहां पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित है। जैन तीर्थंकरों में से मुख्य मूर्ति यहाँ पर आदिनाथ ऋषभदेव की, इसी कारण से इनको ऋषभदेव को समर्पित या आदिनाथ को समर्पित माना जाता है। इस प्रकार से जैन व्यापारी की अपनी इच्छा पूरी होने के उपरांत में ये अपने तीर्थंकरों को समर्पित करते हुए 12वीं शताब्दी के अंतर्गत ये बघेलवाल जीजा नामक जैन व्यापारी ने ये 7 मंजिला एक इमारत का निर्माण कराया है और वही इमारत कीर्ति स्तंभ के नाम से जानी जाती, जो लगभग 76 फीट ऊंचाई में स्थित है, 7 मंजिला ही है। इसके अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की गई है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस है,
दोनों चीजें अलग अलग, ध्यान रखिए विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों ही अलग अलग इमारतें। अब बात करें हम चित्तौड़गढ़ किले पर और यहां पर क्या स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर बेसिकली सूर्य मंदिर था, आठवीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। सूर्य मंदिर के रूप में यहां पर सूर्य घर ग्रह के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं थी, सूर्य की किरणें सीधे ही घर ग्रह के अंतर्गत प्रवेश करती थी और इसी कारण से इसे सूर्य मंदिर या सन टेम्पल के रूप में जाना जाता है। तो कभी क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत मेंस के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्राचीनतम सूर्य मंदिरों का उल्लेख करें, तो बहुत सारी जगह पर होशिया में भी है, आमेर के यहाँ पर हमारे गलता जी के अंतर्गत भी है, जोधपुर के अंतर्गत, तो आप लोगों को अलग अलग जगह पर ये सूर्य मंदिर जो स्थित है उसमें से एक सूर्य मंदिर का उल्लेख आप चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर और चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत जो स्थापित जिसको वर्तमान में कालिका माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है इसके बारे में भी हम उल्लेख कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित है, मूलतः आठवीं शताब्दी में बना हुआ सूर्य मंदिर है जिसमें 12वीं शताब्दी के अंतर्गत कालिका माता की मूर्ति स्थापित की गई और कालिका की मूर्ति स्थापित होने के उपरांत ही यह सूर्य मंदिर कालिका माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो कालिका माता के मंदिर 12वीं शताब्दी से कहलाने लगा जबकि उससे पहले यह सन टेम्पल या सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसी मंदिर के अंतर्गत स्थापित कालिका माता को ही गुहिल वंश के शासकों द्वारा अपनी आराध्य और कुलदेवी के रूप में पूजा जाने लगा और इस कारण से गुहिल वंश की कुलदेवी के रूप में कौन सी माता पूजी जाती है, तो चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित कालिका माता गुहिल वंश की कुलदेवी आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। इसे कालिका मंदिर के सामने अगर बात करें तो यहां पर अगर हम ये रोड है, रोड के इस तरफ ये कालिका मंदिर एक ऊंची पीठ के ऊपर बना हुआ एक मंदिर है, रोड के इस साइड की अगर बात करें बीच में एक वर्तमान में रोड है और इस साइड में बात करें तो यहां पर एक तालाब बना हुआ है, यहां एक गार्डन बना हुआ है और इस तालाब के बीचों बीच यहां पर महारानी पद्मिनी के लिए एक महल बना रखा था जो पद्मिनी महल के रूप में जाना जाता है। तो पद्मिनी महल वो चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत महारानी पद्मिनी का महल, कालिका माता मंदिर के सामने एक पार्क के पास में तालाब के अंतर्गत चट्टानों पर निर्मित है तीन मंजिला मावा भवन, यह है राजपूत स्थापत्य कला के अंतर्गत निर्मित किया गया है। राजपूत स्थापत्य कला बिल्कुल सिंपल साधारण कला होती है जिसके अंतर्गत दीवारें यहाँ पर प्लास्टर की हुई चिकनी सतह युक्त ये दीवारें होती है जिसमें ताले अर्थात ताके बनाई होती है, अर्थात ऐसे दीवारों के अंतर्गत ही कुछ सामान रखने के लिए यहाँ पर एक ताका की संरचना बनाई जाती है। छज्जे यहाँ पर सिंपल होते हैं, ऊपर की दीवारें बिल्कुल सपाट होती है, किसी प्रकार से कंगूरे का निर्माण नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पानी के अंतर्गत बिल्कुल तालाब के बीचों बीच ये एक इमारत जो राजपूत स्थापत्य कला के रूप में निर्मित की गई वो पद्मिनी महल के रूप में जानी जाती है। चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर एक मंदिर बहुत सारे स्थित है यहाँ पर, अलग अलग यहाँ पर मंदिर है, कालिका माता मंदिर के साथ में ही और मंदिर की अगर बात करें तो यहां पर मंदिर समृद्धेश्वर मंदिर, समृद्धेश्वर भी आ जाए तो भी वही है, समृद्धेश्वर मंदिर आ जाता है तो भी वही है। समृद्धेश्वर या समृद्धेश्वर मंदिर जिसका बेसिकली निर्माण 10वीं शताब्दी के अंतर्गत भोज परमार शासक भोज के द्वारा किया गया है, जो मालवा के शासक अर्थात मध्य प्रदेश के शासक थे उनके द्वारा परमार शासक भोज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया, समृद्धेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसी मंदिर का जीर्णोद्धार रिकंस्ट्रक्शन महाराणा मोक्कल के द्वारा किया गया था और मोक्कल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करने के कारण ही यह मंदिर मोक्कल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन गया चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित कौन सा मंदिर मोक्कल मंदिर के नाम से जाना जाता है,
तो समृद्धेश्वर मंदिर यह मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बड़ा रहस्य है कि रियल में यह मंदिर किसका है। आज तक यहाँ पर इसके बारे में एक रूपता नहीं बन पाई कि किसको समर्पित है, यह शिव को समर्पित है, विष्णु को है या ब्रह्मा को है। इस बारे में अभी पूरी तरह से इसकी पूरी यह रहस्य आज तक भी बना हुआ है, परंतु बाद के समय के अंतर्गत यहाँ पर शिव लिंग स्थापित कर दिया और शिवलिंग स्थापित होने के कारण वर्तमान के अंतर्गत इसे शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है। परंतु बेसिकली किसके लिए बनाया गया इसके बारे में इसकी मूल जानकारी नहीं है, परंतु ये मंदिर 10वीं शताब्दी का मंदिर है, समृद्धेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है और महाराणा मोकल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन किया गया है और इसी कारण से इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर और अगर बात करें श्रृंगार चमोली श्रृंगार चमोली नामक एक इमारत यहां पर बनी हुई है। श्रृंगार चमोली के बारे में दो धारणाएं, एक धारणा के अनुसार महाराणा कुंभा की पुत्री का यहां पर विवाह किया गया है और महाराणा कुंभा की पुत्री का विवाह स्थल ही श्रृंगार चमोली के रूप में जाना जाता है। एक धारणा के अनुसार यह महाराणा कुंभा की पुत्री का विवाह स्थल है, जबकि दूसरी धारणा के अनुसार यह जैन मंदिर है। बेलाक नामक यहां पर महाराणा कुंभा का जो एक कोषाधिकारी था उसके द्वारा यहां पर यह मंदिर का निर्माण किया गया और जैन धर्म के यहां अनुयत तीर्थंकरों को समर्पित था, इस कारण से इसे जैन मंदिर के रूप में माना जाता है। तो दोनों चीजें आपको, अर्थात कुंभा की पुत्री के विवाह स्थल होने के कारण इसको श्रृंगार चमोली के रूप में भी और दूसरे धारण के अनुसार यह है एक जैन मंदिर है। तो इस प्रकार से दोनों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार चमोली क्या है। तो आप श्रृंगार चमोली को दोनों तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, महाराणा कुंभा की पुत्री का विवाह स्थल ऑब्लिक ये एक जैन मंदिर है जो महाराणा कुंभा के कोषाधिकारी के द्वारा निर्मित कराया गया। फिर बात करें हम चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर, चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत बहुत सारी चीजें और भी हैं। चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर महाराणा कुंभा ने एक मंदिर बनाया और महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया वह मंदिर कुंभ श्याम मंदिर, वह कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुंभ श्याम का मतलब है विष्णु। तो सिंपल सा ध्यान रखिए, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित मंदिर तो कुंभा के श्याम है, कुंभ श्याम के नाम से जाने जा रहे हैं। तो यहां पर जितने भी जहां पर भी महाराणा कुंभा ने ये कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कराया है तो वो सारे मंदिर हैं, सारे मंदिर विष्णु को ही समर्पित माने जाएंगे। उसमें से एक मंदिर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले पर है, एक मंदिर कुंभलगढ़ किले पर, एक मंदिर कैलाशपुरी के अंतर्गत है और एक मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। इस तरह से महाराणा कुंभा ने विष्णु को समर्पित ये चार जगह पर कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कराया है। तो इस तरह से एक चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित ये कुंभ श्याम मंदिर जो विष्णु को समर्पित मंदिर माना जाता है। इसी किले के ऊपर मीरा मंदिर भी बना हुआ है, परंतु उसके अंतर्गत किसी प्रकार का मूर्ति स्थापित नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि मीराबाई यहीं पर भगवान की यहां पर आराधना करती थी और इस कारण से महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए वह मंदिर मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, परंतु वहां पर मीराबाई की मूर्ति स्थापित नहीं है। मीरा मंदिर के सामने ही मीराबाई के गुरु जी जिनका नाम था रविदास, इन्हीं को बोलते हैं रेदास जी। तो रेदास जी की छत्री इसी चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर मीरा मंदिर के सामने स्थित है, जो मीराबाई के गुरु थे। ये जाति से चमार माने जाते हैं और इनका यहाँ पर अर्थात एक छत्री बनी हुई है। ये छत्री यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले पर अर्थात रेदास जी की छत्री वहां पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर अगर फिर बात करें हम जौहर कुंड के भी बारे में, जौहर कुंड चित्तौड़गढ़ किले पर जौहर कुंड भी यहां पर बना हुआ है। अब जौहर कुंड के बारे में आपको जौहर के बारे में बताता हूं, जौहर क्या चीज है इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। जौहर कुंड भी यहां पर चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर निर्मित है। तो जौहर कुंड क्या है,
और जौहर कुंड क्यों प्रसिद्ध है, जौहर क्या होता है, जौहर किसके द्वारा किया गया है, कब किया गया है, उन सब के बारे में इसके अंतर्गत हम यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर हम इसके अंतर्गत डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जौहर कुंड पद्मनी महारानी पद्मनी के द्वारा 1600 महिलाओं के साथ में जो जौहर किया गया था वही जौहर स्थल जौहर कुंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आज भी वो स्थान बिल्कुल वहां पर सुरक्षित है जहां पर महिलाओं के द्वारा ये जौहर किया गया था। तो ये जौहर कुंड नामक स्थान आज भी चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित है। ओके, बाकी की हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज यहां पर इतना ही। बाकी का अगले जो कल क्लास होगी उसके बारे में बताऊंगा, चित्तौड़गढ़ किले के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है, साका किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ किले पर कितनी बार साके हुए, कहां कहां पर क्या चीज यहाँ की फेमस है, वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके।